कैथल में जिला परिषद चेयरमैन सुखविंदर आंदली के खिलाफ जिला परिषद की बगावत शुरू हो गई है। इसका कारण है सामान रूप से ग्रांट का बंटवारा न होना। पार्षद अज्जू जागलान और भाग सिंह खनौदा ने चेयरमैन पर ग्रांट में भेदभाव के आरोप लगाए हैं। इस अवसर पर पत्रकार वार्ता में अज्जू जागलान ने कहा कि आज तक उनके वार्ड में पिछले 3 सालों में एकमात्र 1,75,000 रुपए की ग्रांट ही दी गई है और अब जनता को गुमराह करने के लिए रहेड़ा गांव के सरपंच प्रतिनिधि को ग्रांट देने के लिए चेयरमैन प्रतिनिधि ने 40 लाख की अलॉटमेंट दी है। अंजू जागलान का ये भी आरोप है कि जब उसके पति को जिला परिषद की हाउस मीटिंग से बाहर कर दिया जाता है और चेयरमैन प्रतिनिधि नियमों के दरकिनार कर खुले रूप से ग्रांट आवंटित कर रहा है। अगर ग्रांट सीधे ही सरपंचों को देनी है तो जिले की सारी पंचायतों को देनी चाहिए, अकेले वार्ड नंबर 2 के साथ भेदभाव क्यों। इसमें एक ऑडियो क्लिप है। इस ऑडियो क्लिप की हमारा चैनल पुष्टि नहीं करता। ये ऑडियो क्लिप अंजू जागला ने खुद उपलब्ध करवाई है। लटकी हुई है हमारे पूरे के पूरे वार्ड में, जो हमारा पूरा वार्ड है। जखोली हमारा बड़ा गांव है, किठाना हमारा बड़ा गांव है वार्ड का, सोंगड़ी गुलाना बड़ा गांव है और तारागढ़ बड़ा गांव है, संदरखेड़ी हमारे वार्ड में पड़ता है, रेड़ा हमारा गांव है। आज तक इन्होंने इतना भेदभाव किया, सिर्फ इनका कारण क्या था? हम लोग अपोजिशन के आदमी है, बात ये करते हैं सबका साथ सबके विकास की। अपोजिशन क्या, हम जैसे दुष्यंतवादी हैं, जननायक जनता पार्टी के हम कार्यकर्ता है, इस वजह से हमारे साथ ये भेदभाव कर रहे हैं। इनका कारण क्या है? ये आवाज़ दबाओ, हम हर बार हम मीटिंग में ये आवाज़ उठाते रहते हैं। मैडम जी ये आवाज़ उठाती है अपने वार्ड को लेकर के, लेकिन आज तक 1 रुपया भी नहीं दिया। मात्र आज तक 3 साल लगभग हो गए जिला परिषद के चुनाव को, सिर्फ 1,75,000 रुपये हमें ग्रांट मंजूर की, वो भी हमारी जो ग्रांट से 1,75,000 रुपये है BDO ब्लॉक के अंदर आज तक पड़ी हुई है। जिस गली का एस्टिमेट BDO के माध्यम से, BDO कार्यालय के माध्यम से 15 लाख रुपये है, उसके लिए मात्र 1.5 लाख रुपये हम मंजूर करते हैं। 1.5 लाख रुपये में 15 लाख की गली कैसे बन सकती है? और जखोली गांव में जिस गली का 25,000 रुपये मंजूर किया, सिर्फ 25,000 रुपये तो आज एक गली की टंकी नहीं लग पाती आज की महंगाई के दौर में, और ये लोग ये लगा रहे हैं। सारा का सारा काम चेयरपर्सन ना देख के उसके पति हैंडल करते हैं। 2 साल तक तो मूक दर्शक बैठ के बन के बैठी रहती है। आज तक वो ये पत्रकारों को, जितने जिला परिषद के सदस्य हैं, जितने जिला के अधिकारी मीटिंग में भाग लेते हैं, कभी भी वो ये मुंह से मुंह। सुखविंदर ही है, आंदली से है, BJP का ही युवा का वर्कर है। अच्छा। हाँ, तो उसने फ़ोन किया था जब ये हमारी वो मीटिंग हुई थी, उसकी वीडियो देखने के बाद कह रहे भी अच्छा हुआ भी आपकी वीडियो देखी, आवाज़ उठाई है, गांव भी विकास है जो आपके वहाँ ही नहीं हो रहा, यहाँ भी हमारे यहाँ भी नहीं हो रहा। मैंने इन्हें कहा भी वहाँ तो बहुत विकास हो रहा है, सारी ग्रांट ही वहीं जा रही है। और जो से MLA कुलवंत बाजीगर ये भी कह रहे थे, अब मंडी वगैरह के लिए जब न्यूज़पेपर में काफ़ी आई थी भाई ग्रांट दी है। अच्छा, और भी चंडीगढ़ भी इनको गए थे, मीटिंग हुई थी तब भी वहाँ से ग्रांट मिली थी इनको पर्सनली कोटे में। तो कह रहे कोई गांव में विकास नहीं हो रहा इसके अंदर, और सारा पैसा वो अपनी कोठी पे ही लगाई जा रहा है। कहते पहले इनका घर नहीं था, सिंपल सा था, जब से ये चेयरपर्सन बनी है तब से अपना घर पे ही सारे पैसे लगा रहे हैं। बल्कि वहाँ पे 76 किले हैं उनकी, ये जो गौचरण की भूमि होती है, तो हमने गौशाला के लिए कहा था, तो घर में आके उन्होंने रिश्तेदार इकट्ठे के सारे किए भी नहीं, यहाँ नहीं करनी चाहिए। मैंने कहा उनको क्या ऑब्जेक्शन है? कहते उनमें से उनकी कमाई है। कहते सारा धांधली हो रही है, विकास नहीं हो रहा कहीं भी इनका। और जो ये चेयरपर्सन है, ये जब मीटिंग होती है ना, सिर्फ वो मीटिंग में बैठने के लिए जाती है, बाकी तो ये सारा उसका हस्बैंड जो हरदीप वही करता है, गुरुद्वार में बुला के झूठे से लालच देता भी ये काम करते हैं, काम छोड़ता है। तो मैंने कहा पूरे गाँव जाओ भी गाँव में उठा के आवाज़, कहते जाते हैं लेकिन कोई सुनवाई है ही नहीं है। कहते कोई विकास नहीं है गांव में, कहते गांव के लोग